हेलो गाइस, जय हिंद। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास वीडियो है। आप सभी को पता है बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स की डेट आ चुकी है। आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, वहीं पर 23 नवंबर के आपके प्रैक्टिकल्स खत्म हो रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि सर हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में हमसे क्या से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या हमें क्या क्या तैयारी करके जाना है अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को देने के लिए, सो दैट हम अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को बेहतर कर पाएँ। बहुत सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर, या हमें किस तरीके से टीचिंग करना है, अपने टीचिंग स्टाइल को क्या रखना है, किस टॉपिक को हम वहाँ पर पढ़ाएं, ऐसे तमाम तरह के डाउट्स आपके पास हैं जो कि आज के इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद खत्म होने वाले हैं। आप पूरे इस वीडियो को वॉच करिएगा और इस वीडियो को वॉच करके अगर आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हैं तो इस सब से डन है, आप अच्छा करके आएंगे, आप अच्छा फील करेंगे। तो चलिए पूरे वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं। गाइस, जिस दिन भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, जिस दिन भी आपने प्रैक्टिकल एग्जाम को देने के जाते हैं, उस दिन बिल्कुल सच के जाइएगा, यानी आप अपने आप को मेंटेन करके जाइएगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। आप सभी को पता है बहुत सारे लोग हैं अपनी शर्ट के बटन खोल लेते हैं या बाजू को जो है फोल्ड कर लेते हैं, या गर्ल्स हैं कुछ इस तरीके से जाएं कि आप एक फॉर्मल ड्रेस में दिखें, चाहे गर्ल्स हों या बॉयज़, एक अलग ही इंप्रेशन पड़े जब आप उनके सामने बैठें। तो अपने आप को बिल्कुल मेंटेन करके जाएं, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आप किसी के सामने खुद को प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है, बाकी चीज़ें बाद में मैटर करती हैं, सबसे पहले जो चीज़ है वो आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर वहाँ पर क्वेश्चन जनरेट होते हैं, क्योंकि एक वाइबा है, वाइबा इन द सेंस वहाँ पर प्रेजेंट तुरंत आपसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो आपके रिलेट कर पाएँ आपके ऊपर ही डिपेंड हो कि आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपके नाम पूछ सकते हैं, पिता के नाम, गांव के नाम, माता के नाम, बीएड करने का उद्देश्य क्या है, आप टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं, या तमाम तरह की आपके बीएड आप कहां से कर रहे हैं, आपके कॉलेज का नाम क्या, आपके लास्ट कॉलेज का नाम क्या, आपने पीजी कहां से किया था, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके बीएड में सब्जेक्ट क्या क्या थे, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट चलिए डिस्कस कर लेते हैं, क्या थे, ऐसे तमाम तरह के बेसिक क्वेश्चन शुरू में आपके हो सकते हैं, स्टार्टिंग में इस तरह के तमाम बेसिक तरह के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। आपके जो बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, जो आपने फेवरेट सब्जेक्ट बताया तो उस सब्जेक्ट के कोई भी टॉपिक आपसे पूछ सकते हैं कि चलिए बताइए इसमें आप क्या बताएंगे, इसके बारे में क्या आप सोचते हैं, ऐसे ही कुछ भी आपके सब टॉपिक से भी पूछे जा सकते हैं, जो भी आपके चैप्टर हैं उनके टॉपिक के सब टॉपिक से भी चीज़ें पूछे जा सकती हैं। मानी कहने का मतलब आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के बारे में नॉर्मली स्टडी कर लेना, एक बार बुक को रीड कर लेना, उस बुक में किस टॉपिक के बारे में लिखा गया, पर्टिकुलर किसके बारे में बातें की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा बहुत भी बताते हैं, लेकिन जो भी बताएं लॉजिकल बताएं, बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आप चीज़ों को बना रहे हैं या आप बस उसे टाइम पास कर रहे हैं, वो मीनिंगलेस ना रहे, मीनिंगफुल रहें, इस तरीके से बताइए, इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, तो आपको नंबर्स मिलेंगे, आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी। फाइनली आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के बाद आप अपने फाइल्स को प्रेजेंट करते हैं उनके सामने, जो आपने फाइल्स बना रखी है, अब उस फाइल में बहुत तमाम तरह की चीज़ें आपने लिख रखी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या आपने अपनी फाइल को रीड किया है या ओनली बनाया है, अगर आपने अपनी फाइल को सिर्फ बनाया है और स्टडी नहीं कर रखा है तो भी आप फंस सकते हैं, भाई आपने फाइल बनाया है तो आपने लिखा है, अब जो आपने लिखा है उसी के बारे में से तो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं, तो आपसे वहां के बारे में भी पूछा जा सकता है जिसकी चीज जिस टॉपिक के बारे में आपने अपनी फाइल्स को बना रखा है, तो जो भी आपने फाइल में रेडी कर रखा है उसके बारे में भी स्टडी कर लेना, सो दैट आपका अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन रेज होते हैं तो आप उनको भी बता पाओ, उनको भी अच्छे से समझा पाओ। अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना, अपने सब्जेक्ट को पढ़ लेना, अपने सब्जेक्ट के नाम याद कर लेना, बीएड करने का पर्पज़ क्या है, टीचर ही को बनना चाहते हैं, ऐसे तमाम तरह के बेसिक क्वेश्चंस की स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरी बात ये होती है, और एकदम नॉर्मल तरीके से देना है इंटरव्यू, बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मेरा वाइवा चल रहा है, हेजिटेट नहीं होना है, डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, एकदम बिंदास होकर अपने इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को अटेंड करना है। आगे हम बात करेंगे टीचिंग कैसे करना है, क्या आपकी टीचिंग स्टाइल होनी चाहिए। फाइनली गाइस, अब आपकी टीचिंग की बारी आती है, जब आप टीचिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जिस भी टॉपिक को आज आप पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप, हिंदी का कोई सब टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हिंदी का आपने संज्ञा उठा लिया, सर्वनाम उठा लिया, विशेषण उठा लिया, क्रिया उठा लिया, कुछ भी उठा लिया आपने, आप जो भी चीज़ आज पढ़ाने चल रहे हैं उसके बारे में आपका नॉलेज प्रॉपर तरीके से हो
सो दैट अगर कोई आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछता है तो आप उसके बारे में बता पाएँ कि हाँ इनका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप एक टीचर हैं तो बच्चे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। आपसे अगर आगे वाला क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करता है तो आप उसका भी रिप्लाई कर पाएँ, सो दैट जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आपका नॉलेज थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आप उस टॉपिक को सेलेक्ट करें। लेकिन टीचिंग करने से पहले कुछ बातों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जैसे आपके पास आपका खुद का मार्कर होना चाहिए और खुद का डस्टर बोर्ड होना चाहिए। मेरे बच्चों आप सभी को पता है मेरे पास सेटअप बहुत प्रॉपर नहीं है, तो जो भी सेटअप है मैं आपको इसी सेटअप पे बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को अच्छा कर पाएँ। इतना अच्छा सेटअप नहीं है कि मैं आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझा पाता, लेकिन आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब जब भी आप टीचिंग करने चलते हैं तो हमने आपसे कहा कि मार्कर और डस्टर आपका खुद का होना चाहिए और नॉलेज आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे होना चाहिए जिस टॉपिक के बारे में आज आप टीचिंग करने जा रहे हैं। अब जब भी आप बोर्ड पे आते हैं सबसे पहले आप बोर्ड पे आएंगे और अपना वन साइड बोर्ड के एक हिस्से पे अपना नाम लिख देंगे, अपना रोल नंबर लिख देंगे और अपना कोर्स लिख देंगे। आप किस कोर्स के लिए हैं, आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका कोर्स क्या है, सो दैट जब आप टीचिंग करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे कि चलो आपका नाम क्या है, आपका कोर्स क्या है, बीच में पूछते रहते हैं ना लिखने के लिए, तो वो चीज़ें ना पूछी जाएँ क्योंकि उनकी निगाहें बोर्ड पर, तो उनको सारी चीज़ें दिख रही हैं। आप अपनी टीचिंग को अपने फ्लुएंटली जिस तरीके से आपको टीचिंग करना बिंदास कर सकते हैं। अब जब भी आप टीचिंग करें तो एकदम इस बात को ध्यान देना कि बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो वहीं पर समस्याएं आपके लिए क्रिएट हो जाएंगी। आपके सामने जो भी लोग बैठे हैं सबको बकवास माननी है कि इनको कुछ भी नहीं आता है, इनको जो भी पढ़ाएंगे इनको सब कुछ वही उतना पता है, बाकी उनके आगे इनको कुछ पता नहीं है। अगर आप उनको हीरो मान लोगे तो आप जीरो हो जाओगे, उनको जीरो मान लोगे तो आप हीरो हो जाओगे। इसलिए जिसको भी आप पढ़ा रहे हैं बिल्कुल भी उनके बारे में ना सोचें कि इनको कितना नॉलेज है, आप ये समझो कि हमारे पास ही नॉलेज है और हम इनसे बेहतर जानते हैं, हम इनसे बेहतर बता सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर रहेगा तो आप बिंदास तरीके से टीचिंग कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई सब टॉपिक सेलेक्ट किया कि आज हम एक पढ़ाएंगे, तो आपने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया, मान लो आपको हिंदी का संज्ञा पढ़ाना है। अब हमने यहाँ पर संज्ञा डाला तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे बच्चों से कि बच्चों आज की क्लास में हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। मुझे नहीं पता कि आपको संज्ञा के बारे में कितना पता है, क्या पता है, लेकिन आज हम आपको संज्ञा समझाएंगे और इस तरीके से आप समझने वाले हैं संज्ञा कि आज के बाद आपको संज्ञा को समझने में कभी समस्या नहीं आएगी, आप कभी भी जान पाएंगे नाउन होता क्या है। लेकिन उसके पहले हम आप सभी से जानना चाहेंगे कि आपको संज्ञा के बारे में कितना पता है, आप संज्ञा के बारे में क्या जानते हैं, चलिए आप लोग बताइए। तो क्या आप में से कुछ कोई बताना चाहेगा? इस तरीके का आपका लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम टीचिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो हमारे सामने बैठे हैं उनको कितना आता है, वो उसके बारे में कितना जानते हैं, आखिर उनकी समझ कितनी है उस टॉपिक के बारे में, उस चीज़ के बारे में। इसलिए हमें एक क्वेश्चन पहले ही कर लेना है। चलिए आप लोग बताइए, आप में से क्या कोई बता सकता है कि संज्ञा क्या होता है या संज्ञा को आप कैसे डिफाइन करते हैं, संज्ञा में आप क्या देखते हैं? अब किसी ने बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो चलो ठीक है बच्चों, तो हम आपको बताते हैं संज्ञा क्या होता है। हो सकता है कोई आपको रिप्लाई करे, रिप्लाई करते हैं दैट्स गुड, उनकी बातों को सुनो और उनको शाबाशी दो कि बच्चा आपने बहुत अच्छा बताया, आपने एक कोशिश की और एक कोशिश कहीं ना कहीं बहुत अच्छी थी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं संज्ञा क्या होता है, बिकॉज आपने तैयारी करके गए हैं तो आप अपने हिसाब से संज्ञा को डिफाइन करेंगे और यहाँ पर बोर्ड पर लिखेंगे। कुछ आकृति, कुछ चार्ट, कुछ भी चीज़ें दिखाना चाहें तो आप उनको बता सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं। एग्जाम्पल आप जितना ज़्यादा यूज कर सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल यूज करें उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश करें, यानी लिखने का कम समझाने की कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए। और लिखने का पैटर्न आपका एक बात ध्यान देना, जैसे बच्चों हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, अब आगे उनको लिखना है तो वो झुकते झुकते गिर जाएंगे लेकिन आगे अपना पैर नहीं बढ़ाते हैं, इस चीज़ को मैंने देखा है। तो आप इस बात को ध्यान दो, आप लिखिए, एक राइटिंग में लिखिए, एक पैटर्न में तरीके में लिखिए और मूवमेंट आप में होना चाहिए। बिल्कुल आप ऐसा नहीं कि एक ही स्थान पर आप खड़े रहें, जो भी मूवमेंट है आपके हाथों का मूवमेंट, आपके पैर का मूवमेंट होना चाहिए। और अगर आप कोई लाइन लिख रहे हो सकता है मेरा कैमरा हिल रहा है तो आप थोड़ा सा कंसिडर करिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना मेरी माइक भी छूटी है तो थोड़ा सा आप धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी।
अब अगर आप कोई भी लाइन लिखते हो, जैसे कुछ भी लिखते हो, तो आप इस बात को ध्यान देना, वो एक सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से लिखना शुरू किया और वो इधर भाग रहा है या इधर भाग रहा है, तो गलत हो जाएगा बच्चों। एक टीचर की क्वालिटी नहीं होती है, टीचर जब भी लिखेगा वो लाइन से जाएगा, वो चीज़ें कहाँ जाएंगी, एकदम लाइन से जाएंगी, डे बाई डे। अगला स्टेप यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ से शुरू हुआ, पैराग्राफ चेंज करो, यहाँ से लिखो। वो आपके लिखने के पैटर्न को देख के भी इम्प्रेस होगा कि आप में एक टीचर की क्वालिटी है, आप एक अच्छे टीचर हैं, आप टीच कर सकते हैं, बच्चों को पैटर्न सिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर देखी जाती हैं। अगर आप दो लाइन लिखते हैं तो पैराग्राफ को चेंज करके कुछ ना कुछ चीज़ें मेंशन करेंगे, तो पैराग्राफ की स्टाइल को भी समझेगा कि आपने शुरुआत यहाँ से की, फिर लाइनों को यहाँ से अगले पैराग्राफ की आपने शुरुआत नहीं से की जो करना चाहिए। और लाइनिंग सीधा रखिए और सिंपल और स्वच्छ रखिए, शब्दों को स्वच्छ लिखिए, एक एक शब्द कोई भी पढ़ सके, ऐसा बिल्कुल ना लिखें कि कोई पढ़ ना सके। इन सारी बातों का आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा, आप सभी का प्रैक्टिकल अच्छा जाएगा। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है बच्चों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।